खबर वैशाली के महुआ से है, जहां लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन श्रद्धालु छठ के पर्व में रंगे नजर आए। विभिन्न घाटों, तालाबों, नदी के घाटों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने छठ व्रत किया। वहीं महुआ के पुरानी बाजार में भगवान भास्कर की प्रतिमा स्थापित कर लोगों ने पूजा अर्चना की। इसके अलावा महुआ के काली स्थान पर SDM संदीप कुमार, SDPO पूनम केसरी, अंचलाधिकारी अमर कुमार सिन्हा सहित अन्य अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं महुआ प्रशासन द्वारा कई स्थानों पर मेडिकल कैंप भी लगाया गया, ताकि कोई भी छठव्रती को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। महुआ में सबसे बड़ा आयोजन महुआ के काली घाट पर हुआ, जहां हजारों की संख्या में छठव्रतियों ने अस्तल चलगामी सूर्य को अर्घ दिया। इसके अलावा गोविंद नगर, छतवाड़ा, भदवास, मिर्जा नगर, हसनपुर ओस्ती, जलालपुर, गंगटी, कन्हौली समेत महुआ अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न भागों में छठ व्रतियों ने अस्तल चलगामी सूर्य को अर्घ दिया तथा अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ी रही। जगह जगह पर बज रहे छठी मैया के गीत से पूरा क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं इस दौरान महुआ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन, लोजपा आर के संजय सिंह, सभापति प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह आदि ने विभिन्न घाटों का दौरा किया तथा छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं को शुभकामना दी। कई स्थानों पर छठ व्रती दंडवत करते हुए घाट पर पहुंचे और छठी मैया की पूजा अर्चना की। ॐ जय काश्यप नन्दन, ॐ जय नन्दन त्रिभुवन त्रिविरणिकन्दन भक्तहृदय चन्दन, जय नन्दन ॐ जय काश्यप नन्दन शक्तिरास्वरथराजित एकधारी दुखहारी सुखकारी